Hey कोशिश कर करेंगे ओके okay. इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इससे पहले की आज के एपिसोड के साथ हम परस्यू करें हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग कवर कर लिया है ये फोर्थ टाइप्स है डेरिवेटिव का जो आज हम कवर करने जा रहे हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो स्वैप यूज किया जाता है लाइबिलिटीज को एक्सचेंज करने में कैश फ्लो को एक्सचेंज करने में ओके okay? अपने क्यों करते हैं हम ऐसा अपने लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए ओके okay? अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिसकी टाइम uh, जो है स्पेसिफाइड होता है ओके okay? हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रेडिंग कैसे की जाती है बेसिकली दो पार्टी होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं लाइबिलिटीज और कैश फ्लो हम लोगों ने ऑलरेडी जो डिस्कस कर लिया है इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है दो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ओके दो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस एक फिनाशियल इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है फॉर एक्जाम्पल इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होना चाहिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरेस्ट है वो वेरिएबल होना चाहिए दोनों पार्टी अपनी अपने रिस्क को समझे और उस परसेप्शन को ध्यान में रखकर क्योंकि कि फ्यूचर में उनको कौन से लॉसेस होने वाले हैं उनका रिस्क कितनी तरह से रेड्यूज किया जा सकता है किस हद तक रेड्यूज किया जा सकता है उस परसेप्शन को समझने के बाद उस रिसर्च को एनालाइज करने के बाद अपना रिस्क एसरटेन uh, करने के बाद वो क्या करती है एक्सचेंज करती है अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वेरिएबल के साथ एक्सचेंज करना अगर वेरिएबल है तो फिक्स के साथ एक्सचेंज करना सो so, उनका फंडामेंटल्स ये होते हैं कि अपने रिस्क को अपने अपने हिसाब से अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको मिटिगेट करना अपने लॉसेस को थ्रू एक्सचेंज लाइबिलिटीज ओके थ्रू एक्सचेंज कैश फ्लोस ओके इसके लिए सेपरेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए चाहे कि वो हो सकता है वो लोन हो या फिर बॉन्ड हो ओके okay. जैसे कि आ, हो सकता है फाइनेंशियल एक्सचेंज रेट के ऊपर हो सकता है इंटरेस्ट रेट के, के हो सकता है इक्विटी के ऊपर हो सकता है कमोडिटी के ऊपर हो सकता है इस तरह के अलग अलग अंडरलाइंग एसेट्स हैं जिसके ऊपर जिसकी वैल्यू डिराइव होती है और उसके इंटरेस्ट रेट को फिक्स और वेरिएबल के फॉर्म में अलग अलग पार्टी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आ, समझती हैं उसको एनालाइज करती हैं उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक्सचेंज करती हैं उनकी लाइबिलिटीज ओके okay? बसरते उनका लीगल और फाइनेंशियल वैल्यू हो उस इंस्ट्रूमेंट का लीगल और फाइनेंशियल वैल्यू हो ओके okay? देख लेते हैं कि स्वैप ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है सबसे पहले तो स्वैप ट्रेडिंग का कोई स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज नहीं है यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज है ये ओवर द काउंटर मार्केट है जिसमें ऑलवेज काउंटर पार्टी रिस्क होता है ओके okay? सो so, इसीलिए इसमें uh, ट्रेडर uh, आप जैसे इंडिविजुअल्स uh, का रिटेलर इन्वेस्टर्स का कोई रोल नहीं होता बेसिकली फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेसेस जो हैं वो इसमें इंडर्ज होती हैं और अपने लॉसेस को मिटिगेट करती हैं ओके सो होता क्या है कि इसमें नेगोसिएशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पार्टीज uh, आपस में नेगोशिएट करती हैं फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के बीच में ओके सो इसमें इसमें क्या होता होता uh, uh, होता है 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 पेमेंट का रिस्क बहुत रिस्की एक्सचेंज भी इसका प्रॉपर नहीं है इसकी वजह uh, होते, है. okay. होते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट रेट स्वैप जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है बिटवीन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस करेंसी स्वाप्स है ओके इंटरेस्ट रेट स्वाप एंड करेंसी स्वैप मोस्ट पॉपुलर स्वाप है टाइप्स है स्वैप के टोटल रिटर्न स्वाप है कमोलिटी स्वाप है डेट इक्विटी स्वैप है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप है ओके okay? हम इन सब को डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट स्वाप्स ये क्या होता है ये ऐसा स्वैप होता है जो हमने एग्जाम्पल uh, में ही डिस्कस कर लिया जिसमें इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज किया जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अगर किसी पार्टी का है तो वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ एक्सचेंज करती है स्विच करती है अपना कैश फ्लो ओके जिसमें नोशनल प्रिंसिपल जो है वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इंटरवल के लिए होता है फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना और चाइना के बीच में स्वैपिंग हुई थी Uh, किस लिए स्टेबलाइज uh, फॉरिन के लिए अर्जेंटीना और चाइना के बीच में जो स्वापिंग हुई थी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है तो उस वेरिएबल uh, uh, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है पर अगर वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इर ऑफ द फैक्ट मार्केट uh, में इन्फ्लेशन है या नहीं है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स ही होगा ओके, okay? सो so, उस उस सेंस में को समझने के बाद बिजनेसेस क्या करती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, अपने लॉसेस को समझने के बाद एक्सचेंज करती हैं, ओके सो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इसका एक एग्जांपल है नेक्स्ट वन इज करेंसी करेंसी स्वैप क्या होता है करेंसी में जैसे उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट को स्वैप किया जाता है वैसे यहाँ पे करेंसीज को स्वैप किया जाता है करेंसीज की फ्लक्चुएशन उनके लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए यह हुआ था यूएसए इंगेजिंग एग्रेसिव करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स बिटवीन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ओके कब हुआ था ये दो में हुआ था टू स्टेबलाइज द यूरो यूरोप में जो डेट क्राइसिस थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये, okay? ये करेंसी स्वैप uh, हुई थी एक एग्जाम्पल हो सकता है करेंसी स्वैप का

क्रूड ऑयल के ऊपर लोग स्वैपिंग करते हैं ओके okay? इसमें क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्राइसेस तो, के साथ जो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं तो उसको मिटिगेट करने के लिए फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन को मिटिगेट करने के लिए कमोडिटी की स्वैपिंग की जाती है ओके okay? ये जरूरी नहीं है कि क्रूड ऑयल हो बट क्रूड ऑयल बहुत ही कॉमन है ओके नेक्स्ट वन इज डेट इक्विटी स्वैप डेट इक्विटी यानी डेट यानी आपके ऊपर कोई बोरोड है इक्विटी यानी आपके पास कोई मालिकाना हक है तो इस इट मींस की स्वैपिंग होती है डेट की इक्विटी के साथ इक्विटी की डेट के साथ और वाइस वर्सा भी होती है अगर आपके पास डेट है तो आप इक्विटी चाहेंगे अगर आपके पास इक्विटी है तो डेट के चाहेंगे डेट में फिक्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विटी में फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएटिंग होता है सो so उस सेंस में उसका फायदा उठाने के लिए अपने लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए स्वैपिंग की जाती है बॉन्ड और स्टॉक इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं ओके बेसिकली कंपनीज को अपना जब कैपिटल रिस्ट्रक्चर करना होता है तो डेट इक्विटी स्वाप्स का फायदा उठाते हैं ओके नेक्स्ट वन इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इसमें सीडीएस uh, डी इसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें डिफॉल्ट पार्टी का जो रिस्क है यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसके जिसके बहुत सारे बोरोवर्स हैं ओके जिसके uh, जिसने पैसे लिए हैं ओके okay, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं उन बोरोस uh, को इन केस ऑफ वो बोरोवर्स पैसे नहीं देते हैं तो वो अपोजिट uh, पार्टी में uh, जो एक्सचेंज uh, कर लेते हैं ओके okay, सो so ये क्या होता है ये डिफॉल्टर्स और देर लोन होता है मतलब अगर लोन पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर गए तो उसका भी रिस्क मिटिगेट करने के लिए स्वैपिंग की जाती है ओके दैट इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ओके सो ये, ये सब क्या थे टाइप्स ऑफ स्वैप्स थे जिसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी मोस्ट कॉमन यूज किए जाते हैं स्वैप्स के लिए एक डेरिवेटिव है फिनेंशियल डेरिवेटिव है एक इंस्ट्रूमेंट है, जो फिर वही पुराना क्या होता है स्वाप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ओके okay? एक डेरिवेटिव है जिसमें एक पार्टी एक्सचेंज करती है वैल्यू ऑफ एन एसेट यानी कि अपनी लाइबिलिटीज uh, को या फिर कैश फ्लो को एक्सचेंज करती है अनदर पार्टी से ओके okay. उसमें जरूरी ये होता है कि एक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स हो और दूसरे का वेरिएबल हो यानी कि फ्लक्चुएटिंग हो ओके क्यों क्यों करते हैं ये टू मिटिगेट रिस्क और लॉसेस ओके सो ये सब क्या थे आज हमने स्वापिंग uh, डिस्कस की स्वाप्स uh, क्या होता है स्वैप्स कैसे वर्क करता है स्वैप की ट्रेडिंग क्या होती है uh, ट्रेडिंग कैसे की जाती है ओके okay. हमने ये सब डिस्कस किया टाइप्स ऑफ स्वैप्स देखा आगे आने वाले एपिसोड में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ तब तक आप फिन की सीरीज फिनांशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे एंड रिवाइज करते रहे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक थैंक यू थैंक यू सो मच